हरियाणा में भाजपा का गांव चलो अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा गांव रावगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने सरकार की योजनाओं की खूब सराहना की। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनने से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिले हैं और सरकार की इन योजनाओं के कारण उन्हें लाभ हो रहा है। और मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मेरे गाँव में लगभग 99% आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आगे भी जो विकास है वो ऐसे ही होता रहेगा हमारे गांव का। जो हमारे विधायक हैं सुभाष सुधा जी के राज में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, हमारे गांव का भी काफ़ी विकास हुआ है। क्या कुछ विकास हुए बताएंगे? हमारे गांव में लगभग सभी सड़कें बनी हुई बन चुकी हैं और जो हमारे जो पुल का संभव कार्य था वो संभव होके पूरा, मतलब उसका कार्य चला हुआ है, उसका काम प्रगति पर है, लगभग कुछ ही समय बाद पूरा हो जाएगा। तीसरी बार कुछ ही बार समय बाद तीसरी बार वोट फिर बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है। मैं जी गांव रावगढ़ से हूँ जी। मैं और मेरे को हार्ट की दिक्कत थी जी, मैंने हार्ट के स्टेंट डलवाए जी कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम से, और मेरा एक भी पैसा नहीं लगे। मोदी सरकार की स्कीम ने मेरे को बचा दिया, नहीं तो क्या पता हो सके जी, शायद मेरा इलाज भी ना हुआ जी। और हम तो मोदी जी से बिल्कुल खुश हैं जी, तीसरी बार भी मोदी सरकार की जरूरत है जी। हमने क्या इलाज करवाया था आपने? मैंने हार्ट का स्टेंट डलवाए थे जी। हार्ट कौन सा कार्ड बना हुआ आपका? बीपी ये भी वो बना हुआ है जी, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री की योजना। मेरा एक पैसा लगे जी, एक भी रुपया लगे जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल और बहुत होंगे। नहीं जी नहीं, एक पैसा भी नहीं लिया जी, एक रुपया भी नहीं मैंने दिया, और मेरा फ्री में इलाज हुआ जी, और आज मैं बिल्कुल फिट फार हूँ जी। जो प्रोग्राम है उसमें विधायक श्री सुभाष सुधा जी हमारे गांव में पधारे हैं और हम उनका यहां पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। इन जो 5 से 10 साल निकले हैं, 5 पिछले और 5 लगभग ये होने वाले हैं भाजपा सरकार में, हमारे गांव में बहुत ही बढ़िया काम हुए हैं, अच्छी ग्रांटें मिली हैं गाँव को। पूरा गाँव की गलियाँ चौक बिल्कुल प्योर ब्लॉक से पक्के हैं, पानी पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पूरा गाँव टीवी कैमरों से कवर्ड है। यहाँ किसी भी गली में आपको नाली का पानी नहीं मिलेगा खड़ा हुआ, नाली बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल तरीके सर अच्छी तरह से बनाई गई हैं। जो भी सरकार का पैसा आया है वो सरकार के अधिकारियों ने और इस सरकार की जो ईमानदारी की नीतियाँ हैं उनके तहत बहुत बढ़िया तरीके से गाँव में लगा है। उसी से गाँव को आप देख सकते हो, पूरा गाँव बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया है। जो यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि हैं पिछले प्लान में 5 साल हो रहे हैं, अब फिर गांव ने पहले से ज़्यादा वोट देकर उनको दोबारा से बनाया है, उनका भी हमारे गांव को साफ सुथरा रखने में और गांव की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान। तीसरी बार किसकी सरकार? सरकार तो मोदी जी आएंगे और कौन आएगा, उनके अलावा है ही नहीं, मुकाबला नहीं, कोई आसपास ही नहीं है। वहीं रावगढ़ पहुंचे विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि वे आज पूरे दिन गांव के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान वोटर्स और लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी और पन्ना प्रमुखों का सत्यापन होगा। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि गांव में व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, आम लोग सरकार की योजनाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं। विधायक ने दावा किया कि विकास के दम पर तीसरी बार भी केंद्र में मोदी की सरकार बनाएंगे। इस गांव के जाकर हमने उसके लिए बूथ कमेटियाँ देखनी है, लाभार्थियों से हम लोगों ने मिलना है, उसके तहत कोई नम क्या किसी प्रकार का मैं कहूँगा न्यू वोटर हैं उनसे हमें इस पर करना है, नए वोट कोई बनने वाले हैं उनसे इस पर करना है। तो ऐसे बिंदुओं पे हमारी समितियाँ बनी हैं, चुनाव समितियाँ बनी जो होती हैं वो बनी हैं, प्लस हमने ये देखना है पन्ना प्रमुख का हमारा सत्यापन करना है कि पन्ना प्रमुख हमारा बन चुका है या नहीं बन चुका। इस चीज़ की मीटिंग मैंने अभी तक ले ली सारी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रावगढ़ के सरपंच हमारे भाई नाम क्या नवरत्न नाम क्या नरंग जी और सारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ओम प्रकाश जी खड़े हैं, बहुत सारे साथियों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। मैंने पूरी पन्ना समिति जो हमारी पन्ना मुख्य है उनकी मीटिंग ली, हमने जो समिति बनी उसकी मीटिंग ली, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक पढ़े लिखे गाँव है यहाँ, इस गाँव की खास रावगढ़ की बात है, यहाँ कोई भी आदमी मैं कहूँगा किसी प्रकार की शराब कोई भी नशा नहीं करता, ये बहुत बड़ी देन है बुजुर्गों की। तो आज मैं पूरा दिन मेरा यहाँ पर प्रवास रहेगा।
आपको बता दें कि हरियाणा भर में भाजपा का गांव चलो अभियान जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। वहीं भाजपा दावा कर रही है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि भाजपा के दावों में कितना दम है। पंजाब के सीटीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।